अगली खबर महाराष्ट्र के पुणे से निकल कर आ रही है। वहां देखिए एक कलाकार ने केक पर संस्कृति उकेर दी है। जी हां, उन्होंने बनारसी साड़ी का चित्र जो है केक पर उकेरा। अपने हुनर से इस कलाकार ने पहले सिंदूरदानी की तरह दिखने वाला केक तैयार किया और फिर उसे बनारसी साड़ी के रंगों से भर दिया। इस केक को नाम दिया गया है शुभ श्रृंगार। सिंदूरदानी की तरह दिखने वाली ये रंग बिरंगी चीज दरअसल एक केक है, जिसको अलग अलग रंगों से सजाया गया है, सवारा गया है। इस केक को शुभ श्रृंगार नाम दिया गया है, जिसे तैयार किया है पुणे के कलाकार प्राची ने। प्राची ने शानदार केक पर भारतीय संस्कृति की खुशबू और विरासत के रंगों को उकेरा है। सिंदूरदानी की तरह चमचमाते इस केक पर बनारस की सिल्क साड़ी का डिजाइन बनाया गया है। इसमें रंग है, फूलों की महक है और अपने पन की मिठास। एक इंटरनेशनल केक कोलैबोरेशन के लिए इनविटेशन आया था, जहां मुझे बोला गया था कि आपको अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता हुआ एक केक तैयार करना है, या तो आप वहां के कोई अटायर या फिर ज्वेलरी से इंस्पायर होकर केक बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इंडिया में सबसे खूबसूरत जो अटायर है वो साड़ी है, और ये साड़ी जिससे मैंने इंस्पिरेशन लिया, इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मेरी मदर ने मुझे ये गिफ्ट की थी मेरी वेडिंग के टाइम में। ये एक बनारसी साड़ी है, ट्रेडिशनल साड़ी है। बनारसी साड़ी पर हाथ से की जाने वाली कारीगरी की झलक इसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा साड़ियों पर लगने वाले सितारों से भी इसे सजाया गया है। कि हमारी कंट्री अपने आप में इतनी ब्यूटीफुल है इन टर्म्स ऑफ जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, यहाँ के जो हैंडलूम वीव्स और ये सब इतनी इसमें डिटेलिंग और इंट्रिकेसी है कि वो एक केक भी कम पड़ जाता है अगर मैं डिटेलिंग की बात पे जाऊँ। लेकिन क्योंकि ये साड़ी अपने आप में इतना ट्रेडिशनल एसेंस रखती है, बनारसी साड़ी का बहुत ज़्यादा एक आई थिंक बहुत सारी फैमिलीज के लिए एक एयरलूम वाली बात होती है कि वो जनरेशन बाय जनरेशन लोग पास करते हैं अपनी साड़ी को। बनारसी साड़ी से प्रेरित 32 इंच के इस केक को जिसने भी देखा हैरान रह गया। जाहिर है इस केक पर की गई कलाकारी के चर्चे अब चारों तरफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।